हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीनल एंड यू आर वाचिंग मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी नेट के एग्जाम आने वाले हैं जून में, तो इसीलिए हम अपनी जो प्रिपरेशन है इकोनॉमिक्स की थोड़ा उसको टॉप गियर में डालते हैं। आज से हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। तो अगर नेट क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलरली देखते रहिए ये वीडियोस जिसमें मैं बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरुआत करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस से। सबसे पहले देखिए, कार्डोस ग्रोथ मॉडल इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। कौन कौन सी अजम्पशंस हैं? देखिए, टोटल सेविंग इंक्लूड सेविंग आउट वेजेस एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। वेजेस और प्रॉफिट्स दोनों में से सेविंग, दोनों से सेविंग होती है, बिल्कुल सही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ प्रॉफिट्स, बिल्कुल गलत है। बिकॉज वेजेस से सेविंग बहुत कम होती है जबकि जो प्रॉफिट होता है उससे सेविंग ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पर MPS ज़्यादा होती है और वो प्रॉफिट वापस इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो ए है, ए तो हमारी अजम्पशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। ए जो है हमारी अजम्पशन ये करेक्ट है, बी इज नॉट राइट, ठीक है। उसके बाद आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही है। देयर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है। ये जो अजम्पशन थी कार्डोर की, वहाँ पे वो फुल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बी एंड सी इज करेक्ट, ए एंड सी इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारा फोर। क्या क्या हमारी अजम्पशंस थी कार्डोर की ग्रोथ मॉडल की? देखिए, देर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर, दस देर इज टू टाइप ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड वेजेस। दो तरह के उत्पत्ति के साधन हैं, कैपिटल, पूंजी और श्रम। तो दैट मीन्स दो तरह की इनकम है, प्रॉफिट है, वेजेस है, यानी कि लाभ है और हमारा जो वेजेस है वो है। ऑल प्रॉफिट्स आर सेव्ड एंड ऑल वेजेस आर कंज्यूम्ड, जितने भी प्रॉफिट है वो सेव कर लिया जाता है, वेजेस जो है कंज्यूम कर लिए जाते हैं। यानी जो वेजेस है उसमें जो भी सेव किया जाता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, एकदम थोड़ा सा परसेंटेज, जो कि वो फ्यूचर के लिए रखते हैं, न कि इन्वेस्टमेंट के लिए। देयर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड प्रोडक्शन फंक्शंस रिमेन अनचेंज्ड ओवर टाइम। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। कैपिटल एंड लेबर आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेबर की जगह कैपिटल यूज कर सकते हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का साथ में होना जरूरी है। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन सच एज द रेट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट आर सेम, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है सच एज द रेट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट आर सेम ओवर डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। किसी भी जगह पर आप जाइए, वेजेस रेट वही रहेगी, प्रॉफिट जो है वो भी सेम रहेगा। एमपीसी जो है वो किसकी ज्यादा होती है? वर्कर्स की जो है एमपीसी ज्यादा होती है। तो दैट मीन्स क्या ध्यान रखने की बात है? अगर हम लेबर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट लेबर, क्या होता है लेबर की जो एमपीसी है वो लेबर की ज्यादा होती है। एमपीसी किसकी? जो हमारा कैपिटल है, ठीक है, हमारा जो कैपिटल है उसकी एमपीसी से। और अगर मैं बात करूं एमपीएस की, तो लेबर की एमपीएस जो कम है वो कम होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर, और जो कैपिटल है उसकी एमपीएस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जो कि पूरी की पूरी क्या कर दी जाती है, हमारी इन्वेस्ट कर दी जाती है। द इन्वेस्टमेंट इनकम आउटपुट इनटू इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आउटपुट जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी होती है? इंडिपेंडेंट है। देर इज अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए क्या है, जो टोटल आउटपुट है और इनकम है वो गिवन है। देर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एट द कॉन्स्टेंट वेज रेट इन टर्म्स ऑफ वेज गुड्स, ठीक है। लेबर की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, लेबर और कैपिटल कैसी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक और जो है इसी तरह का लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है जो कार्डोर का हम ग्रोथ मॉडल करें वहाँ पर अजम्पशन से क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारा हेयरडॉमर मॉडल है या जो हम सोलो मॉडल करें उसमें भी अजम्पशन से क्वेश्चन नेट के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल उस पर फोकस करना है।
देखिए एक और है लगभग ऑलमोस्ट इसी तरह का है, कार्डोस ग्रोथ मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन, आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट ओनली। बिल्कुल सही है, क्योंकि दो ही हमारे उत्पत्ति के साधन है, कैपिटल एंड लेबर, तो फिर आउटपुट क्या है, वेज और प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है, तो बिल्कुल सही बात है, ये इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे ये था, ये इस वाली अजम्पशन में मैंने आपको अभी अभी बताया, इन्वेस्टमेंट इनकम इनटू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ इनकम से कंफ्यूज नहीं होना है, इनकम क्या है, वाई है, और विच इज व्हाट, विच इज इक्वल्स टू वेजेस एंड प्रॉफिट, दैट मीन्स क्या हो गया, वो आउटपुट भी हो गया जो कि आउटपुट है, तो इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एमपीसी एंड एमपीएस आर कॉन्स्टेंट, देर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, 3 और 4 नहीं है, दैट मीन्स क्या है, हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्टेशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, फॉर सर्टेन गुड्स द एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीजेस, फॉर सर्टेन गुड्स एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीजेस, फॉर सच गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई। ओके, ये माइक्रो का क्वेश्चन है, गलती से शायद इस पे पीटी में आ गया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इनकम इलास्टिसिटी अगर हाई है किसी भी चीज़ की, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है वो कम ज़्यादा नहीं होगा, मतलब अगर उसकी इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो अगर जैसे ही इनकम बढ़ रही है तो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीजेस, कोई ये सही नहीं होगा। ये तो सही है हमारा कि फॉर सर्टेन गुड्स एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीजेस, ठीक है, कुछ गुड्स के लिए जो है कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, लेकिन ये जो आर है ये आर गलत है, फॉर सच गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई, कोई जरूरी नहीं है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई को, इनफैक्ट अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है तो ऐसा होता है कि इनकम बढ़ी तो उसका जो कंजम्पशन है उसके ऊपर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है, अगर लो हुई तो, अगर इलास्टिसिटी हमारी लो हुई तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज क्या होगा कि जैसे ही इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, हम जो है इस पे एक्सपेंडिचर को उस हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी हमारी कम है, तो इनफैक्ट ये उल्टा रिलेशन होता है, तो दैट मीन्स हमारा जो थर्ड है ये करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, यूजिंग हैरिट-डॉमर ग्रोथ इक्वेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी व्हेन सी अपॉन वाई इज 3/4 एंड ए के अपॉन ए वाई इज 3, वेयर सी इज कंजम्पशन, वाई इज आउटपुट, के इज कैपिटल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे, अब देखिए हैरिट-डॉमर ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन क्या थी हमारी, सबसे पहले तो हैरिट-डॉमर ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन थी जी इज इक्वल्स टू, सॉरी जी सी इज इक्वल्स टू एस, यही थी, या जैसे हमारा था जी डब्ल्यू तो ये है सी आर एंड दिस इज एस। ओके, तो ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है हमारी, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ होगी हमारी, ग्रोथ पूछ रहे हैं ये, हैरिट-डॉमर ग्रोथ इक्वेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगी, इट इज एस एंड अपॉन सी। एस क्या था, व्हाट इज एस, एस इज इनकम सेविंग रेशियो, एस है हमारा इनकम सेविंग रेशियो, हैरिट-डॉमर मॉडल का जो हमारा मेरा वीडियो है मैंने उसमें अच्छे से बताया है। एंड सी क्या था हमारा, सी इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो, सबसे पहले इनकम सेविंग रेशियो, इनकम सेविंग रेशियो दैट मीन्स एस अपॉन वाई, हमको चाहिए एस अपॉन वाई, व्हाट इज गिवन, वी हैव सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई क्या होगा, वन माइनस हम कर दें, ठीक है, ये होता है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ओके, तो वन इज इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम, सो
एस अपॉन वाई विल बी वन माइनस सी अपॉन वाई. कुछ नहीं किया मैं एस अपॉन वाई को इधर ले आई, इसमें मैं y को इस साइड ले आई, ठीक है. तो ये इसके c के और s के नीचे आ जाएगा. फिर इधर मैं ये इसको इधर ले आई, ठीक है, वन. तो ये वन माइनस सी, वन माइनस सी अपॉन वाई, दैट मीन्स ये वन माइनस थ्री अपॉन फोर, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर. ओके, तो s इज वॉट, s इज वन अपॉन फोर. s क्या होगा हमारा, वन अपॉन फोर. एंड वॉट इज c, कैपिटल आउटपुट रेशियो. कैपिटल आउटपुट रेशियो इज गिवन, दिस इज थ्री. ओके, हेयर k, k, वॉट इज k, k इज कैपिटल एंड y इज आउटपुट. सो दिस इज कैपिटल आउटपुट रेशियो विच इज इक्वल टू थ्री. ओके, तो दैट मीन्स वॉट विल बी द इक्वेशन, वॉट विल बी द ग्रोथ रेट. g इज इक्वल टू s इज वन अपॉन फोर एंड दिस इज c इज थ्री. एंड वी वॉन्ट इन परसेंटेज फॉर्म, तो दिस इज so into 0. Now solve this, 1 upon 4 into 1 upon 3 into 100. ठीक है, solve करेंगे क्या आएगा, this is 25 upon 3 is equals to 8.33. so A is the correct answer. next question हम देखेंगे. देखिए ये बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है. ये नेट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पहले भी एक बार, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं. देखिए ये क्या है, दिस इज सेविंग ए टाइम टी. व्हाट इज ए, is the fraction or is the proportion of saving from income. ठीक है, t time पे जो हमारी income हो रही है उसमें से जो a fraction है उसको हम save कर रहे हैं. अब यहाँ पे this is investment at time t, ये किसके बराबर है, b into t y t minus 1. this is total income at time t, this is total income at टाइम टी माइनस वन. दिस इज मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, नथिंग बट डेल्टा वाई. और बी क्या है, बी इज द फ्रैक्शन जो कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं. लेकिन जब आप हैरड मॉडल की बात कर रहे हैं तो जितना हम सेव कर रहे हैं उतना सारा का सारा इन्वेस्ट कर देते हैं. दैट मीन्स सेविंग एट टाइम टी इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट एट टाइम टी. मॉडल की ग्रोथ कंडीशन पूछी है. अब देखिए सेविंग इज ए वाई टी, it should be equals to investment at time t, that means b y t minus 1. इसको solve करते हैं. this is a y t minus b y t is equals to minus b y t minus 1. सारे साइन चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वाई टी प्लस में चाहिए. सो इट विल बी बी माइनस ए वाई टी. मैंने क्या किया, वाई टी कॉमन ले लिया, ये बी जो है वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ए जो है वो नेगेटिव हो गया. दिस इज बी वाई टी माइनस वन. तो फिर वाई टी क्या होगा, वाई टी विल बी बी अपॉन b minus a and this is y t. okay, so that means क्या है इसका मीनिंग, ये है कि अगर मैं कहूँ कि ईयर 2000 में जो इनकम है वो किसके इक्वल होगी, b अपॉन b माइनस ए इनकम एट 1999. ठीक है, एक साल की इनकम का ये इतना जो है, इतना फ्रैक्शन या इतना जो पार्ट है वो इतना उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा. तो अब ये कितना होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ होगी, इफ सपोज अगर ये है हमारा ग्रेटर देन जीरो और दूसरी कंडीशन है ग्रेटर देन वन,
तीसरी कंडीशन है लेस देन वन, यहाँ पे ऑप्शन ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटर देन लेस देन जीरो का दे रखा है, ठीक है। ये तो हमारे दो ऑप्शंस तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, बी अपॉन बी माइनस ए, तो दैट मीन्स ए अपॉन बी माइनस ए तो नहीं आएगा। अब ये कंडीशन देखें, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो ये कितना भी हो सकता है, इट कुड बी ग्रेटर देन वन एंड इट कुड ऑल्सो बी लेस देन वन, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है। लेकिन इफ सपोज अगर ये एक से छोटा है तो क्या है, अगर सपोज 100 करोड़ जो है हमारी जीडीपी है लास्ट ईयर की, एंड इफ इट इज 0.8, ठीक है, तो फिर ये कितना होगा, 0.8 है, तो दैट मीन्स हमारी इस ईयर की जो हमारी जीडीपी है वो कितनी होगी, उसमें ग्रोथ होगी या उसमें कमी होगी, इसको सॉल्व कर लें तो पता पड़ जाएगा। तो दिस इज 180 हो जाएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो दैट दिस इज इक्वल्स टू 80, तो हमारी ग्रोथ तो नहीं हुई, हमारी इनकम तो उल्टा कम हो गई। सो दैट मीन्स ये जीरो से एक के बीच में कोई भी हो तो यहाँ पे इनकम कम हो जाएगी। इनकम को इंक्रीज होने के लिए, ठीक है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ की बात करते हैं हैरड और डॉमर, तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए, इनकम जो है हमारी स्टेडी स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो हमारा ये वाला जो फैक्टर है ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन वन, है ना। जैसे अगी अगर अभी मैं यहाँ पे रखूँ, इफ दिस इज 1.2 × 100, सपोज ये जो है 1.2 है, देन आंसर विल बी 120। तो यहाँ पे जो है पिछले साल की जीडीपी हमारी 100 थी, अब कितना हो गई, 120 हो गई, इस साल की कितनी हो गई, 120 हो गई। दैट मीन्स अगर ये ग्रेटर देन वन है तभी जो है ग्रोथ रेट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए रखे हैं, वन इज लेस देन जीरो एंड अनदर इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें दोनों में से चूज करना है, तो वी विल चूज वन, अदरवाइज जो एग्जिट कंडीशन है इट शुड बी ग्रेटर देन वन, ओके। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है ग्रेटर देन वन का, तो वी विल चूज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज अगर ये लेस देन जीरो है तो दैट मीन्स ये जो है नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में चली जाएगी हमारी जीडीपी, जो पहले पॉजिटिव थी तो वो और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। सो वन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इन रिलेशन टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, चूज द करेक्ट आंसर। ये भी फिर माइक्रो की थ्योरीज का है। अगर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की, तो देखिए सबसे पहले थी हमारे मार्शल लॉ ऑफ डिमांड वगैरह जो आपने पढ़ा होगा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद आए हमारे हिक्स, जहाँ पर उन्हें बात की अपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। हिक्स और एलन, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था जिसमें हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट को जो है अलग किया। उसके बाद है हमारे सैमुएलसन, देन आर स्टोन, तो ये इसकी क्रोनोलॉजी रहेगी, इसलिए ये जो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हैरड डॉमर मॉडल वाज अडॉप्टेड इन व्हिच 5-ईयर प्लान ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया, कौन से 5-ईयर प्लान में जो है हैरड डॉमर मॉडल को अडॉप्ट किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 5-ईयर प्लान। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया में, फर्स्ट 5-ईयर प्लान में हैरड डॉमर मॉडल को अडॉप्ट किया था, जहां पर मेनली उन्होंने प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को उन्होंने प्राथमिकता दी थी, और जो उन्होंने अपना जो रखा था, अपना जो लक्ष्य रखा था, जो ऑब्जेक्टिव रखा था ग्रोथ का, उससे भी ज्यादा 1.56 रखा था, 3.6 जो है हमारी ग्रोथ हुई थी। इन 1951 द फर्स्ट 5-ईयर प्लान वाज इनिशिएटेड फोकसिंग मेनली ऑन ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर पे ग्रोथ पे फोकस किया था हमने फर्स्ट 5-ईयर प्लान में, विद अ फ्यू चेंजेस। द फर्स्ट 5-ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरड डॉमर मॉडल, दस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आया हुआ है नेट के एग्जाम में। लॉरेंज इज मोर रिलेटेड टू, लॉरेंज जो है मेनली उसका बहुत फेमस है हमारा लॉरेंज कर्व, जो कि इनइक्वालिटी को बताता है, लॉरेंज कर्व जो कि इनइक्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेजर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन मेजर बैलेंस, सब वन ही जो है करेक्ट होगा जो कि इनइक्वालिटी को बताता है। द लॉरेंज कर्व क्रिएटेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिक्स मार्क लॉरेंज इन 1905, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और
हेल्थ इनइक्वालिटी। सस्टेनेबल ग्रोथ एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या ग्रोथ होता है, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल पीपल, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिसोर्स डिप्लेशन। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो रिसोर्स डिप्लेशन तो हो ही नहीं सकता, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या बचा हमारा, राइजिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द पीपल। ठीक है, तो दैट मीन्स वन एंड टू जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, वन एंड टू इज द करेक्ट। दैट मीन्स ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट गुड हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। दैट मीन्स ओवरऑल क्या है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, सभी जो लोग हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे अपीयर। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारा क्या आया, हमारा ये आया सबसे पहले हैरेट डॉमर मॉडल 1939 में। ठीक है, उसके बाद है हमारे महलनोबिस, रॉबर्ट सोलो आया उसके बाद में, हमारे से 1953 में आया महलनोबिस एंड 1956 में जो है हमारे रॉबर्ट सोलो, और उसके बाद जो कार्डो है इनका है 1957। तो ये वाला होना चाहिए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल इसी ऑर्डर में। मैंने आपको पहले भी कहा है, बार बार कहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिस्ट की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, मॉडल की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, बुक्स के नाम, बुक्स के राइटर्स के नाम जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना ये है कि ये जहाँ जहाँ आप जब भी पढ़ते हैं, जैसे जैसे आते रहते हैं कि 39 में ये मॉडल आया इसने दिया, फिर 40 में आया, 35 में आई, ये सभी चीज़ें अपने कॉपी के पीछे वाले पेज पे लिखिए, एक बड़े पेपर पे लिख के अपने जो जो रूम में आप रहते हैं जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ दीवार पे उसको पेस्ट कीजिए, उसको बार बार पढ़िए। जो बुक्स हैं उनको भी लिखिए, उसको भी इस तरह से पेस्ट कीजिए, कॉपी के लास्ट पेज पे लिखिए, तो ये अच्छे से राइट भी सब याद भी हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस हमेशा नेट के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एज इवॉल्व्ड इन ऑर्डर। सबसे पहले क्या आया और इसके बाद क्या आया इंडिकेटर्स, देखिए सबसे पहले तो आया हमारा नेशनल इनकम, सबसे पहले जो है हमारा आया नेशनल इनकम, सेकंड फिर था हमारा पर कैपिटल इनकम, फिर थर्ड इज दिस, और सबसे लास्ट में ये जो है सबसे नया है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 1999 में ही आया था। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, पर कैपिटल जो है ये आया हमारा 1950 में, एंड ये जो है ये आया था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 1979 में। तो क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा ये हो गया, सबसे पहले जो आ गया हमारा 1, उसके बाद आया 49 में ये 1999, ये दिस इज 3 एंड 4 एंड 2, 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज मेनली, तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से एसर्टेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज मेनली लेबर सेविंग डिवाइस रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ सरप्लस मैन पावर। तो ए जो है वो बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने यही कहा था, जब नई टेक्नोलॉजी है तो उससे क्या होगा, ये लेबर सेविंग डिवाइसेस होती हैं, उससे क्या होता है, सरप्लस मैन पावर बनता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो उसे नई टेक्नोलॉजी बनती है। तो दैट मीन्स ए और आर इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या है, मार्क्स एक्नोलॉजिस्ट, दैट मीन्स ये बी इज राइट।
बी इज द करेक्ट आंसर. मार्क्स एक्नोलेज्ड दैट मशीनरी एंड टेक्निकल एडवांसमेंट डायरेक्टली इंक्रीज्ड. ठीक है, मार्क एक्नोलेज द मशीनरी एंड टेक्निकल एडवांसमेंट डायरेक्टली इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी. एज अ रिजल्ट हायर द लेबर प्रोडक्टिविटी लेसर द लेबर टाइम इज रिक्वायर्ड. ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई तो अब लेबर टाइम कम चाहिए, काम हमारा मशीनों से हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एंड लोअर द वैल्यू और द लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब कम लेबर से हमारी कॉस्टिंग कम हो गई, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, कमोडिटी की जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी. तो ए इज करेक्ट. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज लार्जली फ्यूल्ड बाय न्यू इनोवेशंस. नई जो इनोवेशंस हैं उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो भी ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज बेस्ड, ये मैंने बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा हैरट डबर मॉडल रहेगा. तो देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द पीरियड ऑफ 1951 टू 56. इट वॉज बेस्ड ऑन हैरट डबर मॉडल. इट्स मेजर फोकस वॉज ऑन द कंट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड अचीव्ड अ 3.6% ग्रोथ रेट, मोर देन इट्स टारगेट. टारगेट कितना था, 2.1 का, अचीव कितना किया, 3.6%. और जो 5 IITs हैं वो भी बनी थी इस प्लान पीरियड में. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही एसर्टिजन रीजनिंग का है. तो देखिए, आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा. पहले ये नहीं आते थे, आजकल पैटर्न में थोड़ा चेंज है. असर्टेशन रीजनिंग जो है वो ट्रेंडिंग है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्टैटिक इन डेवलप्ड कंट्रीज. बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है. ए तो सही है, ये डायनामिक प्रोसेस है, लेकिन ये स्टैटिक प्रोसेस है डेवलप्ड कंट्रीज में, ये बात गलत है. इनफैक्ट होता ऐसा है कि, तो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. एक्चुअली होता ऐसा है कि जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ और ज़्यादा अच्छे से होता है डेवलपमेंट. देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस सिंस इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. डेवलपमेंट क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप मूव करेंगे. पहले सिर्फ एग्रीकल्चर होता था, रॉ मटेरियल जो है वो हम एक्सपोर्ट कर देते थे, अब हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके आगे और डेवलपमेंट हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, और डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. सो इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो बर्नार्ड मिलर जो है वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट इन अ सर्कुलर कॉजेशन मैकेनिज्म दैट कॉजेज डेवलप्ड कंट्रीज टू ग्रो रैपिडली वेर एज वीकर कंट्रीज अपीयर टू फॉल बिहाइंड एंड रिमेन पुअर. तो डेवलप्ड जो कंट्री है वो रैपिडली ग्रोथ करते हैं, लेकिन जो वीकर कंट्रीज हैं वो जो है वो पीछे रह जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बिल्कुल सिंपल है. जैसे मैं आपको पिछले ये क्वेश्चन में भी बता दिया है मैंने, हैरट डबर थे हमारे 1939, सोलो 56, कार्ड और 57, यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन में बताया था. अब ये मिड जो है, मिड का मॉडल आया था 1961 में. ठीक है, मिड का जो मॉडल है वो हमारे आया था 1961 में. बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है ये, 1 by 1. 39, दिस इज 39. सोलो इज 56 एंड कार्डो इज 57. ठीक है, बिल्कुल एक ही क्रम में है. 39 में हैरड आ गए, फिर 56 में सोलो और 57 में कार्डो, बिल्कुल एक ही टाइम के हैं. और मिड जो है, मिड जो हमारे आए 61 में, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे मिड. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी. न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, एक तो थे मिड और दूसरे थे हमारे सोलो. तो फर्स्ट एंड सेकेंड ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू. कार्ल मार्क्स के मेरे वीडियो में देखिएगा, वैल्यू ऑफ कमोडिटी क्या है. तीन कॉन्सेप्ट दिए थे कार्ल मार्क्स ने, सरप्लस वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू. तो ये तीनों को मिलाकर जो है एक कमोडिटी की
वैल्यू बनती है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज करंट डेली स्टेटस इज कॉन्सेप्ट यूज टू मेजर. करंट डेली स्टेटस किसके लिए होता है? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए. करंट डेली स्टेटस. नेक्स्ट इज लाइफ टेबल इज ऑल्सो नोन एज. लाइफ टेबल होती है हमारी ये मॉर्टेलिटी टेबल. सॉरी लास्ट क्वेश्चन. विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनपुट आउटपुट एनालिसिस. ओके इनपुट आउटपुट एनालिसिस का ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर गलती से. तो सबसे पहले तो वैसे ये थे जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे क्वेज़ने. ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे. सबसे पहले उन्होंने दिया था लेकिन फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक एग्रीकल्चर को ही कंसिडर किया, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को उन्होंने छोड़ दिया था. उसके बाद थे हमारे कार्ल मार्क्स एंड फिर लियोन्टिफ जिन्होंने जिसको कहा जाता है फादर ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस. लियोन्टिफ जो है वो थे हमारे फादर ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस. कंप्यूटर का यूज किया था उन्होंने इसके लिए. फिर थी हमारा हॉकिंस साइमन कंडीशंस बहुत फेमस है. आपने भी जरूर पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो नेट एग्जाम के लिए जरूर पढ़िएगा. ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. कीप वॉचिंग. और नेट के एग्जाम आ रहे हैं तो बिल्कुल आप देखते रहिए अंत तक. एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा. बाय.